तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग कोई भी गेम, मैं एक गेम यहाँ पे ले रहा हूँ, देख सकते हैं प्लांटो से ज़ॉम्बी है, आप कोई भी गेम के अंदर टोस्ट मैसेज को डाल सकते हैं। टोस्ट मैसेज क्या क्या होता है आपने थंबनेल में देख लिया होगा। मान लीजिए आप लोग एक मॉडर हो, आप लोगों ने अपने गेम को मॉड किया और आप लोग किसी को देना चाहते हो, तो वो टोस्ट मैसेज पहचान होगी कि हाँ ये गेम आपने मॉड करके दिया है। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं कि वो सारा काम हम लोग कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर से आप लोग आपके मनचाहे गेम को कर लीजिए डाउनलोड। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी रखा है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जो जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ, वरना हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सारी जितनी भी चीज़ें मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये दोनों एमटी मैनेजर, एपीके अल्ट्रा, ये भी जो भी है एडिटर, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप पे भी पड़ी है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एपीके अल्ट्रा एडिटर को यहाँ से ओपन कर लेंगे। ठीक है, आप लोग इंस्टॉल कर लोगे तो ओपन कर लेना, ठीक है, अलाउ कर देना। और उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे, ओके यहाँ पे टैप हो गया, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ डाटाबेस स्प्लिट और यहाँ शो करंट एक्टिविटीज़। ये क्या होता है कि जो भी ऐप होगी आपकी, उसकी जो एक्टिविटी का जो फोल्डर होगा, जो नेम होगा, वो यहाँ पे दिखाने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग शो करंट एक्टिविटी के ऊपर जैसे यहाँ पे टैप कर देते हैं, तो यहाँ पे इस टॉगल को आप लोगों को ऑन करना है। ठीक, जैसे ही आप लोग ऑन करोगे तो जिस भी ऐप के ऊपर आप लोग रनिंग कर रहे होगे, जो भी ऐप रन हो रही होगी, उसके ऊपर जो एक्टिविटी है जो सबसे ऊपर दिख रही है, वो फर्स्ट एक्टिविटी है, ये सेकेंडरी एक्टिविटी है, दोनों के नाम आ जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को इतना करना है। इसके बाद हम लोग नीचे कर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे अभी सैमसंग लॉन्चर चल रहा है, तो इसका यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप लॉन्चर का एक्टिविटी चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी टाइप से हम लोग अगर गेम को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे, कोई भी गेम आप लोग ओपन कर लो, उसकी यहाँ पे एक्टिविटी का नेम दिख रहा होगा और हमें यही नाम का काम है रियल में। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे com.eagame.pvz फ्री नाउ, ये एक्टिविटी का नाम है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एक्टिविटी के नाम को मैंने देख लिया है। ठीक है, कॉम डॉट जो भी है, अभी मैं वापस से आपको बताऊंगा कि कैसे देखा है मैंने और सब कुछ, मैं अभी क्लियर हो ही जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो एक्टिविटी का नाम मुझे याद है। अब आपको क्या करना है, एमटी मैनेजर के अंदर चले आना है। एमटी मैनेजर के अंदर जाने के बाद आप लोग जो आपका गेम है ना, जो भी गेम है, उसका एक बार आप लोग एपीके एक्सट्रैक्ट कर लोगे। अब ध्यान से देखना, एक चीज़ मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, अगर आप लोग एपीके एक्सट्रैक्ट करते हो और एपीके की जगह एपीकेएस फाइल आप लोगों को मिलती है, तब आप लोगों को एक्सट्रैक्शन वाला ये मेथड नहीं करना है। आपको गूगल पे जाना है, उस गेम की एपीके फाइल को डाउनलोड करना है, क्योंकि ये काम जो भी है एपीके के ऊपर होगा, एपीकेएस फाइल के ऊपर ये काम नहीं होगा। तो ध्यान से समझो, एक्सट्रैक्ट एपीके के ऊपर गया। अब जितने भी मेरे फ़ोन के अंदर एपीके होंगे, मैं वो सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी है, मैंने इसके ऊपर टैप किया, एक्सट्रैक्ट एपीके मैं कर रहा हूँ, देखो कॉपी हो रहा है एपीके मेरा। अब देखो ये एपीके किस, मतलब यहाँ पे देखो कॉपी होने के बाद डॉट एपीके में मिला है, अगर एपीके एस में होगा तो काम नहीं होगा। तो ध्यान से समझ लो, एपीके में आपको गेम का एपीके चाहिए, नेट से डाउनलोड करो, कहीं से करो। ठीक है, एपीके आपके फ़ोन में अब आ गया है, लोकेट करूंगा, यहाँ पे हमें एक एपीके मिल चुका है। ठीक है, अब हमें इसी एपीके के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है। देखिए क्या करना है, एपीके ओपन कर लीजिए, व्यू कर लीजिए यहाँ से। व्यू करने के बाद आप लोगों को आपके सारे एपीके के, मतलब जितने भी एपीकेज होंगे उनके अंदर क्लासेस डेक्स दिखेगी। क्लासेस डेक्स एक है, यहाँ पे टू है, हो सकता है कई एपीकेज में एक से ज़्यादा हों, तीन चार क्लासेस हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को जैसा मैं मैथड बता रहा हूँ, सेम टू सेम वैसे ही परफॉर्मेंस देनी है। ठीक है, क्लासेस डेक्स के ऊपर जाना है और यहाँ से डेक्स एडिटर प्लस जो हमारा आएगा, इसको हम लोग यहाँ से ओपन कर लेंगे। क्लासेस डेक्स यहाँ पर टिक रहेगा, ओके कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से सेक्शन खुल के आ रहा है। अब आई होप सो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहोगे कि किस टाइप से सेक्शन है। ठीक है, ये सेक्शन खुल के आ रहा है। अब यहीं पे आप लोगों को जो नाम मैंने वहाँ पे बताया था ना, उस नाम को यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करनी है। किस नाम को ढूंढना है, यहाँ पे मैं गया प्लांट से ज़ॉम्बी और यहाँ पे देख पा रहोगे कि game.pvz फ्री, ये चीज़ com.ee अगर आप ना भी ढूंढो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेम चाहो तो पूरा नाम लिख के ढूंढ सकते हो। तो आप लोगों को पता तो चली गया होगा कि अब हम लोगों को क्या ढूंढना है। ठीक है, पर अब हम लोगों को ढूंढना कैसे है ये चीज़ हम लोग जान लेते हैं। आप लोगों ने इस जगह को ओपन कर लिया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब आपको क्या करना है, इस जगह पे जाना है और यहाँ पे, सॉरी मेरी गलती है, यहाँ पे नहीं जाना है, अभी तो नहीं जाना है, सर्च में हम लोग जाएंगे, स्टार्ट अ न्यू सर्च लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने पहले से ढूंढ के रखा है, मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो लिखा हुआ है, तो com.ea ये आपको ढूंढना है। ठीक है, आप इसमें प्लांट से ज़ॉम्बी में ये है, दूसरे गेम में कुछ और होगा, आई होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है,
ओके कर दिया मैंने। यहाँ पे देख पा रोगे कि 1000 से ज्यादा रिजल्ट आ गए। फॉर आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा रिजल्ट आ गया यार। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं वापस से हटा दे रहा हूँ और मैं पूरा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, com.ea और यहाँ पे जो हमारा डॉट, फिर यहाँ पे हम लोग गेम। अगर आप लोगों में भी ऐसी कभी प्रॉब्लम आए कि मतलब रिजल्ट जो हो रहा है आप लोगों का ये एक्सीड हो रहा है, ठीक है, pvz और यहाँ से फ्री, और उसके बाद हम लोग लिख देंगे स्लैश करके यहाँ से रो, ROW। अब हमें शायद एक ही मिलना चाहिए, यहाँ पे दो मिला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फोल्डर हमें मिल गया है, वो फोल्डर जो हम लोग ढूंढना चाह रहे थे वो फोल्डर तो हमें मिल गया है, बट अब फोल्डर के अंदर कैसे जाएंगे? तो फोल्डर के अंदर कुछ फाइलें होंगी जिनके अंदर भी ये फोल्डर का नाम सिमिलर मैच कर रहा होगा, तो उन फाइल के ऊपर ऐसे दबाए रखो और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, लोकेट। हम लोग लोकेट कर लेंगे कि ये फाइल कहाँ पे, और जहाँ पे फोल्डर होगा वहीं पे तो फाइल होगी। तो हम लोगों को ये देख सकते हो ये game.pvz.ro नाम से ये जो फोल्डर था ये मिल गया। आप लोगों के केस में ये फोल्डर दूसरा हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको बहुत ही क्रूशियल है कि क्या चीज़ हमें एडिट करनी है, ये चीज़ आपको समझना है। क्या चीज़ हमें एडिट करनी है, तो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने जब अभी मतलब अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो OBB एक्टिविटी लिखा है ना, इसके नीचे आप लोग देख पा रहे हो कि $1, $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8 ऐसे कुछ लिखे हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो डॉलर वाला सेक्शन देख पा रहे होगा ना, आपको बेसिकली क्या करना है कि ये जो डॉलर का सेक्शन है जहाँ से स्टार्ट होता है, अब देखो यहाँ पे हिट एंड ट्राई वाला खेल है, हर गेम में आपको इस टाइप के डॉलर सेक्शन नहीं मिलेंगे। हो सकता है किसी में जहाँ पे भी मैं एडिट करने जा रहा हूँ वो वाला जो सेक्शन है वो स्टार्टिंग में ही आप लोगों को मिल जाए, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोग स्टार्टिंग में नहीं, थोड़ा सा ऐसी चीज के ऊपर फोकस करना जो गेम से थोड़ा सा रिलेवेंट फील हो रहा हो। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको ढूंढा है, तो मुझे यहाँ पे ये जो PVZ एक्टिविटी है ना, PVZ तो गेम का नाम है, प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी। अब एक्टिविटी जो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा फोकस में ले आ रहा हूँ, आई होप सो दिख रहा है, ठीक है। ये जो एक्टिविटी है इसका क्या मतलब है कि गेम के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चला जा रहा हूँ, ठीक। ओके, ये आउट ऑफ फोकस हो जा रहा है बार बार, ठीक है। ओके, मैं इसको वापस से लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो PVZ एक्टिविटी हम लोग देख पा रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे करके ओपन यहाँ से कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ से ओपन की। अब ओपन होने के बाद आई होप सो कि आप लोगों को ये दिख पा रहा होगा, फिर से आउट ऑफ फोकस हो गया, सॉरी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, तो आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि PVZ एक्टिविटी हम लोगों ने यहाँ से ओपन कर ली। अब यहाँ पे हम लोगों को एक दो चीज़ों को सर्च करना है। अब वो क्या सर्च करना है यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझिए। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे थ्री मतलब इस सर्च के सेक्शन पे चले आना, ऊपर सर्च का सेक्शन है, और यहाँ से आप लोगों को सर्च के ऊपर ऐसे टैप कर देना है, ठीक है। अब सर्च के ऊपर टैप करने के बाद आप लोगों को सर्च करना है ऑन क्रिएट, देख सकते हो स्पेलिंग ON क्रिएट, आप लोगों को सर्च करना है, यहाँ पे लिख देना है, और उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट। जैसे ही आप लोग करोगे तो यहाँ पे देखो ऑन क्रिएट एक यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, पर आप लोगों को कौन सा ऑन क्रिएट यूज करना है ये आप लोग कैसे जानोगे, ये एक बड़ी चीज है कि कौन। तो सॉरी, वो लाइट का थोड़ा सा इशू हो रहा था, ठीक है। तो आप लोगों को ऑन क्रिएट ढूंढना है, ऑन क्रिएट आप लोगों ने ढूंढा, अब आप लोगों को कौन से ऑन क्रिएट पे एडिट करना है ये चीज सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझो आप लोग, यहाँ पे देखो ऑन क्रिएट लिखा है, उसके नीचे आप लोगों को कुछ इस टाइप से रजिस्टर करके कुछ लिखा होगा, ये हर गेम में आप लोगों को मिल जाएगा। अगर रजिस्टर करके कुछ लिखा हो और उसके नीचे कुछ इस टाइप का सेक्शन आप लोग मैच कर लो, तो आपको यहीं पे जाके एक डिस्क्रिप्शन में मैंने कोड दे रखा है, और वो गूगल के ऊपर भी, मतलब क्या कहते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी वो कोड मिल जाएगा। आपको वो कोड सिर्फ उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे दबाया और ये मैंने पूरा कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा बस यहाँ पे दिखा दूँ कहाँ गया वो कोड ऑन क्रिएट। ओके, हम लोगों ने शायद नीचे पेस्ट कर दिया है उस कोड को, यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद अब यहाँ से हम लोग पेस्ट कर देते हैं इस कोड को, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखो कोड को पेस्ट कर दिया है। अब ये देखो इस कोड के अंदर ये जो मॉडेड बाई द जेसन वर्क करंट टीम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप लोग इसके अंदर अपना भी नाम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग इन दो ये जो ग्रीन कलर के कॉलम है इनके अंदर जो भी लिखना चाहो लिख दो, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से चले आना है, और इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ पहले, इसके ऊपर दबा के आपको सेविंग कर देनी है। यहाँ से देख पा रहे हो कि सेव सक्सेसफुल, बैक बैक और बैक हम लोग चले जाएंगे, और उसके बाद इसको हम लोगों को बिल्ड कर देना है। यहाँ से देख पा रहे हो कि नो वेरिएबल अल्टरनेट एट इंट वेर, ये क्या लिखा हुआ है यार, ये कह पाया। ओके, इसको मैं एक बार बैक कर ले रहा हूँ और बैक कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे वी दब गया था। ओके, यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरे से वी दब गया था, और इसको मैं यहाँ से वापस से पेस्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे वी हम लोग कर दिया, अब की बार सेव हो गया है, ठीक है। बैक कर देते हैं,
और यहाँ से आपके पास बिल्ड करते हैं और यहाँ से देख पा रहे हो कि मतलब सारी चीज़ें यहाँ से चालू हो गई, एकदम परफेक्ट आउटपुट फाइल हो रही है। और यहाँ पे देखो सेव सक्सेसफुली यहाँ से आ चुका। तो देखो सेव होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अब यहाँ से इसको बिल्ड कर देना है। कैसे बिल्ड करोगे, इसके ऊपर आपको ऐसे टैप कर देना है, ये देखो सेव सक्सेसफुल हो गया है। और अब हम लोग इसको बैक कर लेते हैं, ठीक है। और बैक कर लेता हूँ मैं यहाँ से। अब यहाँ पे जैसे ही आप लोग इसको पूरी तरीके से इस टाइप से बैक कर लोगे, मैं थोड़ा फोकस कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे इस टाइप का कुछ सेक्शन आएगा कि आपकी जो क्लासेस डेक्स है वो मॉडिफाई हो चुकी है, आपको उसे अपडेट करना है कि नहीं। आप लोग ऑटो साइन के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ मैं ओके कर दे रहा हूँ और यहाँ से आप लोग देख पा रहे कि सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिक अपडेट कर रहा है और फाइल को साइन कर रहा है। अब यहाँ से हम लोग बैक कर लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो प्लांट्स वर्सेस ज़ॉम्बी ये साइन वाला आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर टैप करके बस इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कीजिए, अगर ये आपसे वार्निंग वगैरह कुछ मांगे कोई दिक्कत नहीं, ओके कर दीजिए। पुराना वाला जो भी गेम होगा वो अनइंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद हम लोग इसको न्यू वाले को यहाँ से करके इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से इंस्टॉल, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि इंस्टॉलेशन यहाँ पे चालू हो गया है। और बस जल्दी जैसे ही इंस्टॉल होता है, आप लोग जैसे स्टार्ट करोगे, आप लोगों का जो साइन वहाँ पे आएगा, मतलब बहुत ही मज़ेदार। ओपन हम लोग कर देंगे इसको और यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको मैं जैसे स्टार्ट करता हूँ कन्फर्म, और यहाँ से लोडिंग मॉडेड बाय द GSM वर्क कैंटीन। सो आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में।